एक्सपिरेटरी वाल्व, दिस इज योर फ्लो सेंसर, निकालने के लिए रिमूव इंसर्टेड बैक अगेन। नहीं इसको क्लीन करने के लिए नॉर्मल डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर में डिप करके रखना है। वी यूज कैटमाउंट ना, तो स्टेरिलाइजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, जस्ट इन केस डस्ट या कुछ है तो वो क्लीन करना पड़ेगा। दिस इज ओपन सर्किट और ये क्लोज सर्किट के लिए, दिस इज नॉब। डिवाइस ऑन करने के बाद ये जो रन सिस्टम टेस्ट है ये अपने आप हो जाता है। उसके बाद आपको 3 टेस्ट करने हैं। एक तो फ्लो सेंसर का है, सो फ्लो सेंसर कैलिब्रेशन के लिए क्लोज ऑल फ्रेश कंट्रोल वॉल्व्स, रिमूव एक्सपिरेटरी होज फ्रॉम द ब्रीदिंग सर्किट, सो ये एक्सपिरेटरी होड है ये निकालना है होज, और कंफर्म करना है। सो ऑटोमेटिकली इट विल कैलिब्रेट द फ्लो सेंसर। Once the calibration is done, it will show it to you that flow sensor calibration is done. Flow sensor calibration completed, reconnect. O2 sensor calibration. For O2 sensor calibration, remove the O2 sensor and leave it on room air. O2 sensor calibration completed. Be leak and compliance test. Leak and compliance test. Close all fresh control valves. Place the eyepiece on this notch. APL valve between 40 to 50. And press O2 flush. And build up a pressure between 15 to 30. Now automatically it will calculate the leak and compliance test. You just have to make sure that there is no leak in the system, meaning no circuits are connected properly, these tubings are connected properly, the soda lime canister is connected properly. So ventilator leak, it can accept up to 250 ml, and system leak up to 350 ml. If it is beyond that, then you have to check if it will not bypass the test. So all Draeger machines are piston driven machines. They don't require a driving gas like oxygen or air to drive in. It drives on electricity and it can also ventilate on ambient air. So in case of failure of oxygen also, जितना भी oxygen circle में है उतना तो वो ventilate करेगा, उसके बाद exhaust होने के बाद भी वो एम्बिएंट एयर पे रूम एयर से देखिए वो वेंटिलेट करेगा। बैटरी बैकअप कितना है इसका? 45 मिनट्स मैक्सिमम, इट कैन गो अप टू 120 मिनट्स, दैट इज टू लॉन्ग, बट देन यू कैन एडजस्ट। हियर यू कैन सी द प्रेशर्स फॉर सेंट्रल, और सिलेंडर का प्रेशर तो वो रेगुलेटर पे ही दिखेगा पीछे, उसका रेगुलेटर जो इसके अंदर ड्रॉअर के अंदर मैंने रखा हुआ है। ये ओपन का नॉब है, क्लोज करना है तो क्लोज का नॉब यहाँ पे, देन यू एड इट टू अ एडैप्टर जैसा भी आप। अलार्म लिमिट्स यू कैन सेट फ्रॉम योर ऑक्सीजन मिनट वेंटिलेशन एंड पीक प्रेशर्स। कमिंग बैक टू मोड्स, सो दिस इज वॉल्यूम कंट्रोल। सेटिंग्स फॉर वॉल्यूम कंट्रोल विल बी मैक्सिमम प्रेशर, टाइडल वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी रेट, आईज टू रेशियो, पॉज एंड योर पीक। Once you confirm the mode, so here you can see your alarms. If there are any alarms, here it will show you the alarms. If there is oxygen failure, or if leak, or if any calibration is overdue, so here you can see it. This is your oxygen concentration, frequency, expired tidal volume, minute ventilation, PEEP, plateau pressure, and peak pressures. Now, when you change also the mode from pressure, volume to pressure, whichever was the previous plateau pressure, it will take as the PIP and then it will deliver.
And then again, same settings, PIP, frequency, aspiration, respiratory flow, and P. For bag ventilation, manual spontaneous, confirm. So then you can bag ventilate. Then for open circuit, and your flows will come from here. Once you connect your connector or circuit, So this is Cryo4, this is the AGM module. इसके अंदर आपको नाइट्रस ऑक्सीजन का वैल्यू तो इधर ही है, एजेंट का, सीबो का, इंस्पायर्ड एक्सपायर्ड विथ मैक वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होगा. तो ये मैंने इससे इससे कनेक्ट किया है, सो दैट इज व्हेन यू कैन सी इधर ETCO2 एनेस्थेटिक एजेंट विथ मैक वैल्यू, RR, टेम्परेचर एंड ECG. सो मॉड्यूल स्विच में अगर आपको कोई पैरामीटर नहीं चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर, को अनटिक करके बैक करना है. जो पैरामीटर्स चाहिए फिर वही डिस्प्ले होगा इसमें. मीन्स यू कैन सिलेक्ट इट, नीड नॉट यू नो कंजस्ट द स्क्रीन विद अननेसेसरी पैरामीटर्स. सो दिस इज योर अलार्म साइलेंस बटन, NIBP, ट्रेंड्स, फ्रीज, रिकॉर्डर. इसमें वो रिकॉर्डर स्ट्रिप डालोगे तो 3 चैनल का आपको प्रिंट आएगा. और ये मेन मेन्यू है, जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे मेन मेन्यू एक्सेस यहाँ पे होगा. यू कैन चेंज दिस इन ECG पे टैप करोगे तो ECG सेटअप. अगर आपको 3 लीड या 5 लीड करना है, यू कैन मेक द चेंजेस. एंड वी कैन इवन चूज द लीड्स. हाँ, चूज द लीड्स दैट यू वांट फ्रॉम हियर. सो दिस इज 5 लीड, नो 3 लीड दिया है अभी इसमें. हाँ, तो 3 लीड ही होगा फिर. ठीक है.